नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, भोलेनाथ आदि शक्ति कहा जाता है, देवी देवताओं में दोस्तों अगर किन्हीं देवताओं को माना जाता है तो त्रिदेव की पूजा की जाती है, जिनके अंदर ब्रह्मा विष्णु और महेश की पूजा का एक अलग ही विधान है। दोस्तों, उस त्रिदेव में अंदर अगर बात करें भगवान महादेव की, तो महादेव को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। महादेव की दोस्तों मर्जी के बिना एक कंकर भी नहीं हिल सकता, तो दोस्तों महादेव की कृपा हो जाए तो दोस्तों पहाड़ भी कंकर के समान लगता है। दोस्तों, महादेव को अगर कोई भक्त प्रसन्न करना चाहता है तो दोस्तों मंत्रों के माध्यम से भोलेनाथ बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं। और दोस्तों, यह बात तो आप जानते ही होंगे कि अगर एक बार भोलेनाथ की कृपा हो गई, सिर्फ और सिर्फ एक बार भोलेनाथ आपसे प्रसन्न हो गए, तो दोस्तों कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा, आपके जीवन और आपके घर परिवार के अंदर अपने आप ही खुशियाँ देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, तो आज हम आपको बताने वाले हैं भोलेनाथ के तीन ऐसे गुप्त मंत्रों के बारे में, जो मात्र आप जाप कर लीजिए आपका घर परिवार और आपका जीवन खुशियों से बढ़ जाता है, भोलेनाथ की असीम कृपा आपके जीवन के अंदर देखने को मिलती है। और दोस्तों, बात करें सावन के महीने में, तो दोस्तों सावन का महीना तो होता ही भोलेनाथ की भक्ति के लिए है। सावन के महीने में प्रत्येक दिन अगर कोई भक्त इन मंत्रों का जाप कर लेता है तो उसकी मुंह मांगी मनोकामना होती है। मंत्र जापने के बाद जो मनोकामना भगवान शिव से मांगता है उसकी वह सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। आपकी जेब खाली है, आपके सपने पूरे नहीं हो पा रहे हैं, आपका स्वास्थ्य उत्तम नहीं रहता है, आपको हर समय किसी न किसी प्रकार की समस्याएं, किसी न किसी प्रकार की परेशानी आन पड़ी है, तो दोस्तों इन मंत्रों का जाप कीजिए, आसानी से वह सारी चीज़ें समाप्त हो जाती है और आसानी से आपका घर परिवार उत्तम हो जाता है। दोस्तों, तो बात करते हैं सबसे पहले मंत्र की। दोस्तों, सबसे पहला मंत्र आता है ओम नमः शिवाय। दोस्तों, तीन शब्दों का यह मंत्र है और तीन शब्दों का यह मंत्र आप इसकी ताकत कम मत की। यह मंत्र दोस्तों जल, वायु, अग्नि, आकाश, जहां पर भी इसका प्रभाव जाता है दोस्तों, वहां से सकारात्मकता खींच कर लेकर आता है। और दोस्तों, भगवान स्वयं कहते हैं कि हमारा शरीर भी इन्हीं पंच तत्वों से बना है, तो दोस्तों इस मंत्र का जाप करने से यह सारे पंच तत्व हमारे जीवन के अंदर एक उद्वेलित कंट्रोल अवस्था के अंदर रहते हैं और हमें किसी प्रभाव से प्रभावित नहीं कर पाते। इसीलिए जब भी आप फ्री हैं बस इस मंत्र का जाप करें ओम नमः शिवाय। आपकी हरगिज जो मनोकामनाएं पूरी नहीं हो पा रही थी, उन मनोकामनाओं के अंदर आपको विजय की प्राप्ति होती है, आपकी वह सारी मनोकामनाएं पूरी होती है और भगवान भोलेनाथ आपको आपके जीवन के अंदर अच्छी चीज़ें दिखाते हैं। दोस्तों, इसी तरह अगर क्या होता है कि आपका मान सम्मान कम है, हर समय किसी न किसी व्यक्ति से लड़ाई झगड़ा होता रहता है और आप सोचते हैं कि आखिर आपके जीवन के अंदर ऐसा क्यों, या आपका मानसिक दिमाग हालत ठीक नहीं रहती है, लड़ाई झगड़ा हो, शत्रु की बाधा हो या आपको डर लगता हो, तो दोस्तों एक मंत्र बोलिए ओम शिव तनो रुद्र नमामि नमो। ओम शिव तनो रुद्र नमामि नमः। इस मंत्र का जाप करने से दोस्तों भगवान शिव का जो रुद्र रूप रहता है वह आपकी इन सारी चीज़ों से रक्षा करता है और आपके जीवन के अंदर उन सारी बीमारियों को समाप्त करता है, आपके जीवन के अंदर अच्छी चीज़ को लेकर आता है। दोस्तों, आप चाहते हैं सार्वभौमिक आपको शांति प्राप्त हो, अर्थात कि व्यापार आपका उत्तम हो, बीमारी आपके आसपास नहीं पड़के, शत्रुओं की बाधाएँ आपको परेशान नहीं कर पाएँ, तो दोस्तों एक मंत्र है जिसे शिव गायत्री मंत्र कहा जाता है। गायत्री मंत्र दोस्तों अपने आप में ही शांत, अपने आप में ही एक शांति का प्रतीक होता है और साथ ही साथ हमारे जीवन के अंदर अच्छी चीज लेकर आता है। तो भगवान शिव के इस गायत्री मंत्र का जाप करने से आपकी वह शक्ति दो गुना बढ़ जाती है। दोस्तों, मंत्र है ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तनो रुद्र प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तनो रुद्र प्रचोदयात्। इस मंत्र का आप जाप कीजिए, दोस्तों आपका कोई भी बाल बांका नहीं कर पाएगा, जो आप सोचते थे वह आपका काम पूरा होता है,
और भगवान शिव साक्षात आपकी पूजा आपके घर परिवार के अंदर शामिल होते हैं और आपको किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है अगर आप भोलेनाथ के इन सटीक मंत्रों का जाप कर लेते हैं। और सावन माह के अंदर बात करें तो दोस्तों ये मंत्र दो गुना पावर में आ जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारी देखने के लिए कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद मित्रों, जय श्री राम मित्रों।